ठीक है बच्चों, तो टेस्ट डिस्कशन करना है। रिकॉर्डिंग ऑन है, स्लाइड स्क्रीन शेयर है, बस स्लाइड स्टार्ट करने हैं। 1 मिनट में यस करते मैम, हैं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दीक्षांत, वेरी गुड इवनिंग भाई। अब जैसे जैसे जनवरी बीत रहा है, बीत ही गया है, मतलब 4-5 दिन का और है, तो क्लास की स्ट्रेंथ ना के बराबर होती जा रही है। जो डर था हम लोगों को कि सिलेबस खत्म होते होते क्लास में 4 ही 5 बच्चे ना बैठे ना बचे, वो डर अब सच होता नजर आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं थिंक पॉजिटिव। जिसने नहीं किया थिंक पॉजिटिव, अब नेगेटिव सोच लिया तो लो हो रहा है नेगेटिव। तो मुझे याद है पीयूष सर ने आपको आंसर्स तो भेज दिए थे, बट आप लोगों ने पीडीएफ देखा क्या बच्चों, जो हमारा संडे का टेस्ट था उसका, ये वाला संडे का? हैंड्स अप किया है दीक्षांत ने, थम्स अप किया है मतलब। ठीक है, तो एक दो बच्चों ने देखा होगा जरूर, बाकियों ने नहीं देखा। देखा तो भी ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है। जनरली देखो, टेस्ट डिस्कशन का मतलब क्या समझती हूँ मैं, कि जो क्वेश्चंस है ना, कहीं उसमें कोई और तरीका तो नहीं है, कहीं उसको किसी और मेथड से तो और अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं? क्या है एग्जैक्टली, वहां पे करना क्या है, हमें यही मायने रखता है पूरे टेस्ट डिस्कशन में। तो बेसिकली मैंने पूरे पीडीएफ को देखा। जनरली हम लोग आंसर देखते हैं कि आप लोग को जो आंसर प्रोवाइड किया गया है वो रिलेटेबल है कि नहीं क्लास से। ऐसा ना हो कि आप देखो, अरे ऐसा तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, कहीं और से आ गया। तो मैंने जहां तक चेक किया, मेरे हिसाब से तो डन है, ओके है, और मुझे ऐसा कोई चेंजेस करने का लगता नहीं। एक दो स्टेप्स इधर उधर है जो कि बहुत एडवांस लेवल में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं फिर। और बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के संग हमारा सिलेबस जैसे कि कंप्लीट हो गया, और ऐसा कोई टॉपिक है नहीं नया जो मैं मुझे स्टार्ट करना ऐसा जरूरी लग रहा है। जितना सिलेबस था आपका फाउंडेशन का, उतने चैप्टर्स हमने पढ़ लिए। अब बस टेस्ट डिस्कशंस करेंगे और पीवाईक्यू जरूर लगाएंगे ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नए नए चैप्टर स्टार्ट करके कुछ नहीं मिलेगा, बेटर है पीवाईक्यू करते हैं। डेट है आज का 24 जनवरी। 24, वाह, आज का डेट तो बहुत अच्छा है। 2024 का पहला तारीख 24 वाला लेक्चर नंबर टेस्ट डिस्कशन का 1, शायद एक से ज्यादा लेक्चर लग जाए। ठीक है, और इसमें तो आपका टॉपिक नेम में टॉपिक्स जो भी आपके कवर्ड हुए थे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, क्लास ऑब्जेक्टिव में अगेन डिस्कशन, जो कि डिस्कशन कम टीचिंग होने वाला है ज्यादा, क्योंकि आप लोग तो बोलोगे नहीं, कुछ बोलोगे तो हाँ और ना में जवाब दोगे। सी, पहला क्वेश्चन क्या था, अगर किसी ने टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा तो उनको पता होगा, खास करके उस बच्चे को ज्यादा पता होगा जो सिर्फ 5 नंबर कम लेकर आए हैं टेस्ट में। वो भी 5 ले आते तो उनका फुल सेंचुरी बन जाता। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इवन। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। सम ऑफ द ऑड टर्म्स 24 है, एंड दैट ऑफ द इवन टर्म्स इज 30। 24 और 30 दोनों ही इवन नंबर है, मगर कह रहा है कि सम ऑफ द ऑड टर्म 24 है। तो जो आप इसका एपी का सीरीज लिखोगे, सपोज A1, A2, A3 लिखते हैं ना, तो वो ऑड होगा, A1, A3, A5 ऐसे होगा, एंड दैट ऑफ द इवन टर्म्स इज 30, A2, A4, A6, 30 हो जाएगा आपका। इफ द लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म बाय 21/2, मैं सही कह रही हूँ? 10 to the 20, 21/2, देन द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी, लास्ट टर्म अगर एक्सीड करेगा 21/2 से, तो आप माइनस कर दोगे। क्या माइनस करोगे? लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को अगर माइनस करते हो, जो एक्सीड कर रहा है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी मिलेंगे।
और अगर किसी को लगता है कि नहीं, मेरे पास इससे ज्यादा आसान तरीका है जो मैंने टेस्ट में लगा के सॉल्व किया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ये जो डिस्कशन वाला क्लास होता है ना, इसमें हम स्टूडेंट्स का ही ज्यादातर ओपिनियन लेते हैं, अपना कम देते हैं। हो सकता है मैंने कुछ पुराना मेथड बता दिया, आपके पास उससे भी नया है, कुछ स्मार्ट वर्क है तो बताना। सो देखो, जितना हमने पढ़ा है हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, तो SME लोगे आप, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस टिल A कितना आएगा, ये 2N आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन APs क्या है आपका, 2N है। आपको याद है हम लोग कैसे कैसे टर्म्स लेते थे, 2N प्लस 1, 2N A, 2N माइनस 1, ये सारे हमारे होते थे सीरीज में। यहां से आप ऑड इवन स्टार्ट कर दो, जैसे कि मैंने लिखा, क्या लिखा, सम ऑफ ऑड टर्म्स। तो सबसे पहले S ऑड इक्वल्स टू मैं लिख दूं, A1 प्लस A3 प्लस जो भी आता है मुझे, मैंने लिख दिया A2N माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 24, क्वेश्चन ने बोला। फिर मैंने S इवन भी लिख दिया, ये भी मुझे आता है ना, ये भी क्वेश्चन ने तो बोला है, A2 A4 इसके बीच में जो इवन आए प्लस में A2N इक्वल्स टू 30। हमारी लड़ाई इवन के लिए ही है, ठीक है, देखा जाए तो। अब बीच में ऑड अगर हमें ऑर्डर आ गया कि नहीं तुम्हें ऑड के संग जाना है, तो वो ऑड के संग जा रहा है। इन दोनों को तो पहले ऐड ही कर लो आप, तभी तो पता चलेगा कि टोटल कितने हैं। तो टोटल कितने हैं भाई, 54 है हमारे पास, दोनों ऐड हो गए। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 2 है भाई, 21/2। ओके, 21/2। और कॉमन डिफरेंस और इन दो इनके बीच का, वो तो 2 होगा ना। लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट बाई, आपने ये देख के बोला वेरी गुड, बट इनका भी तो एक है ना, वो कितना होगा इनके बीच का डिफरेंस, 2। So basically, जब ये सिनेरियो है हमारे पास ना, अगर आपके पास सी कॉमन डिफरेंसेस है, तो आप क्या करोगे, एक मेरे पास क्या है, क्या है, A2N माइनस A1 इक्वल्स टू कितना है, 21/2। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गिवन है मेरे पास, ठीक है। लास्ट टर्म एक्सीड्स द फर्स्ट टर्म, तो मैंने ऐसे ले लिया, तो आई थिंक ये कुछ गलत नहीं किया है, ये गिवन है, ये गिवन है। तो मुझे सेकंड पार्ट इसका चाहिए, वो कैसे मिलेगा, A1 प्लस 2N माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2N माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला है ये, माइनस A1, ये भी किसके इक्वल्स रहेगा, 21/2 के, क्योंकि हम लोगों ने बस इसको ओपन कर दिया है, दैट्स ऑल। An अगर आपके पास होता फॉर्मूला, तो आप यही फॉर्मूला लगाते, तो n की जगह 2n लगा दिया है आपने। फिर क्या करोगे, 2n माइनस 1 d इक्वल्स टू कितना, अगेन 21/2, ठीक है, ये है मेरे पास। अब मैं चाहूं तो यहां से d निकाल लूं, बट मैं n की वैल्यू क्या पुट करूंगी, क्या मेरे पास n की ऐसी कोई संभावित संख्या है, कुछ पॉसिबल वैल्यू है n के लिए, आप बताइए, मतलब है क्या कोई वैल्यू बच्चों, तो कहां से रहेगी वैल्यू जब नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछा है तो। अब क्या करोगे, अब अगले स्लाइड में तो वैसे भी जगह नहीं होगी, यहीं पे सॉल्व करना पड़ेगा इसको, देन हाय राम जी, लगता है किसने टेस्ट पेस्ट ना ही दिया, डुप्लीकेट कर लो भाई पहले इसको, एक स्लाइड और बढ़ाना पड़ेगा। चलिए,
चलिए पूरा सॉल्व करते हैं उसको बैठ के। फिर क्या आएगा भाई आपके पास? अब ऑड और इवन वाले हैं ना, दो इक्वेशंस आपके पास पहले से रखे हुए हैं, तो वहां पे क्या लोगे? अब एन अपॉन टू ए वन प्लस टू एन माइनस वन इक्वल्स टू 24, इसको सॉल्व करोगे, मतलब इसको खोलोगे आप। तो यहां से आपको एन ए वन प्लस टू एन माइनस टू डी इक्वल्स टू 24 मिलेगा। दूसरा क्या है? एन अपॉन टू, दूसरा क्या है? ए वन प्लस डी प्लस ए टू एन माइनस वन प्लस डी इक्वल्स टू 30 है हमारे पास। यहां से आप कितना निकालोगे? एन ए वन प्लस टू एन माइनस टू डी प्लस एन डी इक्वल्स टू 30। ये इक्वेशन थ्री और ये इक्वेशन फोर। देन आप टू एन डी माइनस डी अगर करोगे तो वो आपका 21/2 होगा। यहाँ पे आपको 12 - d इक्वल्स टू 21/2। डी आपको कितना मिलेगा भाई? 12 - 21/2, तो ये आपको 3/2 मिलेगा। और एन डी तो आपको पता ही है कितना है, 6। तो एन आपको कितना मिल जाएगा यहाँ से? 4। 3/2 को सीधे पुट कर दो यहाँ से, एन 4 निकाल लो। इजी था ये। बस दो ही जगह पे दिक्कत है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। और वो दिक्कत क्या है कि आपको पहला तो ये एन अपॉन टू वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 24 वाला और एक 30 वाला। यही दो दिक्कत है बच्चों इसमें। और ठंड भी बढ़ रही है जनवरी के आखिरी दिनों में, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत। तो ये क्वेश्चन टेस्ट का था, ठीक है? मैं अभी इतना ब्रीफली सब में एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, ऐसे टच करते हुए चलती हूँ, क्योंकि आप पता नहीं क्या ही चाहते हो, वो भी समझ में नहीं आता। अच्छा ये देखो, ये एक बड़ा अजूबा क्वेश्चन है। मैंने सोचा था ये आपसे ही मैं थोड़ा पूछती हूँ, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री मतलब फ्रेश फ्रेश पढ़ भी रहे होंगे। विषव, विषव हो क्लास में आप? यस मैम। चलिए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट आया है। मुझे एक्चुअली ये क्वेश्चन उतना समझ में नहीं आया कि कैसे सॉल्व होगा। अगर हम क्लास में करते तो कैसे करते? मेन की वैल्यू लिख के 90 - a ऐसे वाली। ऐसे वाली कॉम्प्लीमेंट्री वाली? यस मैम। तो मैं 90 - 25 ले लूं, और यहाँ पे भी 90 - 35, और यहाँ पे 90 - 85, ऐसे बोल रहे हो? अब यही बोल रहे हो ना कि कुछ अलग बोल रहे हो? मैं जेन्युइनली आप लोगों से पूछ रही हूँ। सी, पीडीएफ में क्या दिया है उसको मत देखिए, आप बताइए कि क्या ये इस तरीके से भी सॉल्व हो पाएगा क्या? आपको क्या लगता है? मैम शायद 90 - 25 कितना होता है? चलो देखते हैं। सेवेंटी एटी नाइनटी मतलब 65 होता है ना? जी 90 - 35 कितना होता है? 55। 55। यस मैम। और ये कितना होगा? 55। साइन 5 तो कभी पढ़ा है क्या आपने? मैंने पढ़ा नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। यस मैम। कितना होता है? साइन 5। साइन 65, 55, 5, ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं। मतलब क्या है? दिस इज नॉट द करेक्ट वे, ये हमारा पॉसिबल वे नहीं है। हम लोग कब इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे? जब इसके ऑलरेडी स्टेप्स टेकन होंगे। आप जब ट्राइंगल बनाते हो तो ट्राइंगल कितने डिग्री का होता है? 180, मतलब 180। हाँ 180, मतलब 60 डिग्री का तो होता ही है ना? 60 डिग्री का होता है। ट्राइंगल के तीन साइड्स भी अगर लेते हैं हम लोग, क्या मैं यहाँ पे थीटा
25 ले सकती हूँ, ऑफ कोर्स ले सकती हो, 25 सब में आ रहा है आपका, ठीक है। अगर थीटा आपने 25 लिया और फिर क्या किया, 4 sin 25 degree, तो ये तो क्या हो जाएगा, ये आपने ऑलरेडी थीटा ले ही लिया है, तो ये हो जाएगा 4 sin theta into, अब 60 माइनस अगर मैं 35 करूं, मतलब 60 माइनस थीटा लिख दिया, चलो मैंने साइन में ही आएगा ये भी आपका, इनटू में साइन 60 प्लस थीटा, ठीक है, एक माइनस थीटा एक प्लस थीटा ले लिया है। फिर देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, 4 sin कितना हो जाएगा ये, वन टू थ्री, 3 theta upon 4 नहीं आएगा, फॉर्मूला होता था बच्चों हमने पढ़ा था, जैसे 90 माइनस 80 माइनस 70 माइनस, ये कहीं पे फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। आप साइन 3 theta, क्योंकि आप इसको भी थीटा कंसिडर कर रहे हो, इसको भी थीटा कंसिडर कर रहे हो, इसको भी थीटा कंसिडर कर रहे हो, साइन 3 theta बच्चा, आप ये मत सोचना कि अरे पता नहीं कहाँ से ये सारे स्टेप्स मैम ले आई है, अपने मन से ही बोल रही है, मन से नहीं बोल रही हो, सही बोल रही हो, 4 आपके पास है तो 1 4 मैंने अपने मन से लगा दिया, क्यों, क्योंकि 4 से मैंने डिवाइड कर दिया ताकि वक्त आने पे मैं इसको कैंसिल कर सकूं, तो मेरे लिए हो जाएगा आराम। देन ये आपका बनेगा साइन 3 into 25, जो कि बनेगा साइन 75 degree, which is equals to, अब sin 75 degree किसी ने पढ़ा है क्या, उसकी कोई वैल्यू वैल्यू होती है, हाँ बच्चों sin 75 degree की कोई वैल्यू पढ़ी है आपने, कुछ भी नहीं पढ़ा, अंडर रूट 3 + 1/2 √2। वेरी गुड, ये आपका आंसर आया है, मगर ये कैसे लाया आप, मैम साइन ए प्लस साइन बी वाले फॉर्मूले से, साइन 45 प्लस साइन 30। ओके, मतलब आपने फाइनली वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज किया, क्योंकि आपको साइन 75 नहीं पता है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कहां से पता होगा, तो आपने 2 एंगल्स को प्लस करके फॉर्मूला निकाल करके √3 + 1/2 √2 लेकर आए, यही एक फॉर्मूला यहाँ पे लगना था। आयुष आपने रिप्लाई किया ना, यस मैम, आयुष बराबर टेस्ट दे रहे हैं, बराबर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, और मुझे ऐसा फील होता है कि आयुष आपका IIT में सीट बनेगा, मुझे स्टार्टिंग से ये फील हो रहा है, मतलब हर बच्चे के लिए मैंने कुछ ना कुछ सोचा है, आपका IIT में कंफर्म है, आप एडवांस भी क्लियर कर लोगे अगर ऐसे दिमाग लगाते रहे तो। द नंबर ऑफ 4-letter words दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 13 consonants and 3 vowels सच एज द फॉर्म्ड वर्ड कंटेन 2 different vowels इन द मिडिल एंड 1 consonant रिपीटेड और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एट द एंड, ये जो हमारे सामने इतने लंबे चौड़े सेंटेंस दिए गए हैं ये तो सीरीज के तो नहीं लग रहे हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन लग रहे हैं, जहाँ पे वॉवल्स और 2 different vowels, 3 और 2 का तो पहले ही आपको कॉम्बिनेशन मिल गया है, तो ये कैसे सॉल्व किया गया होगा, आपका बना होगा 3P2 विच इज इक्वल्स टू 6 ways, ये बना होगा, दूसरा क्या बनाया होगा इन्होंने, 13 consonants एंड 1 consonant रिपीटेड और डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स एट द एंड, तो 13P2 क्योंकि रिपीट हुआ है ना इसीलिए 2 लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू कितना, थर्टीन वेज, क्योंकि वो तो रिपीट ही हुआ है, तो 26 तो हम लिख नहीं सकते हैं उसको, ठीक है, ओके। फिर क्या करोगे जब परम्यूटेशन आपको मिल गया, तो 4 letters का ये वर्ड है, क्या करोगे इसमें, और 2 2 letter है तो
दो प्लस दो ही मिलके आपके चार बनाते हैं ना, तो क्या करोगे? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फोर लेटर वर्ड्स ऐड कर दो इसको, कैसे? समथिंग आपको मिलेगा और वो समथिंग होगा 1014। दिस इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है इससे कम भी मिले थोड़ा सा, या ज्यादा तो नहीं मिलना चाहिए, कम भी मिलेगा। सपोज 1008 मिल गया तो वो भी राउंड ऑफ करके 1014 के पास ही जाएगा। इज इट ओके बच्चों? यस मैम। यस मुझे तो लग रहा है आधे लोग सोच रहे होंगे पता नहीं क्या ही चल रहा है आज का क्लास, देखते जाओ बस होता है क्या आगे आगे। ठीक है, यस मैम। हाँ यही है, आपके दिल की बात समझ रही हूँ। तो आप लोग बोलो ना, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, खुद भी तो नहीं बोल रहे कुछ। चलो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन लग रहा है, देख के ही लग रहा है, जो हमने अभी खत्म किया था। करना क्या है इसमें? इसको तो पक्का सा एलसीएम लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आई तो जाएगा, आई उड़ ही जाएगा वहां से, ये हमारे पास बचेगा जेड अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। सो जेड को आप जब लिखोगे पाई अपॉन 4 1 प्लस i टू द पावर 4, और इसका एलसीएम तो पाई प्लस आई इंटू में 1 प्लस रूट ओवर पाई i। ऊपर में कितना बचेगा? ये 1 प्लस रूट पाई, रूट पाई वैसे ही पाई हो जाएगा हमारे पास, +1 प्लस पाई, तो दिस इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 1 प्लस i द होल टू द पावर 4 इनटू में, अगेन नीचे का भी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो हमारे पास बचेगा आई स्क्वायर की भी कहानी खत्म हो जाएगी ना, वहां पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आई स्क्वायर भी खत्म हो जाएगा आपका। 1 प्लस 1 2 अपॉन में क्या होगा? आई बचेगा हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 1 प्लस i टू द पावर 4 अपॉन में आई, विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2 4 e i पाई अपॉन में e i पाई अपॉन में 2, विच इज इक्वल्स टू, इसको अगेन राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई e i पाई अपॉन 2। मगर ये तो हमारा आंसर नहीं है, तो अब वैल्यू पुट करोगे आप, आपका मॉड ऑफ जेड कितना बनेगा यहाँ पे? 2 पाई, और ये कितना बनेगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, तो 2 पाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 बनेगा आपका। इस तरीके से इनका आंसर आया 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, ये तो सेट्स का क्वेश्चन है। टू फाइनाइट सेट्स हैव एम एंड एन एलिमेंट, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट। तो एम और एन जब भी आता है तो 2 टू द पावर m माइनस 2 टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, मतलब ये 56 है तो 8 into 7 या 7 into 8 विच इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 into 7। चाहे तो इसको आप तोड़ो या फिर मत तोड़ो, ऐसे ही रहने दो, उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन अब क्या करोगे? 2 टू द पावर m माइनस n माइनस 1, क्यों? क्योंकि हमने यहां से क्या लिया? 2 टू द पावर n ले लिया, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 इंटू 7, तो n कितना आएगा यहाँ पे? m माइनस n करना है ना हमें, n कुछ आएगा और क्या आएगा? अच्छा एक बात बताइए, आप लोग छोड़ो इस मेथड से नहीं करते हैं, और जो उसने बोला है हमें फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेकेंड सेट, तो
सेकंड सेट में सबसेट्स कितने बनते हैं? अगर बनते तो क्या 7 सबसेट्स बनते हैं हमारे पास? नो मैम, मैं कितने बनते हैं फिर? फर्स्ट वाले से कम ही। फर्स्ट वाले से कम बनते, उसको कैसे निकाला जाए? एम और एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, तो उसके लिए उसका निकालना जरूरी है। 2 to the power m - n की अगर आप बात करो तो ये हमारा 8 विच इज इक्वल्स टू 2 to the power 3 है, तो n यहाँ पे तो 3 ही हो जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो यस मैम। नाउ अब क्या बचा है? m माइनस एन इज इक्वल्स टू कितना होगा? वाइब्रेशन पे है, कौन वाइब्रेट कर रहा है? एम कितना हो गया? 6। ठीक है, बचा क्या मेरे पास? एन जो कि है 3, तो 3 और 6 की वैल्यू आ गई अपने। तो यही है ना, बी नंबर वाला ही तो करेक्ट होगा। यस मैम। इसको कैसे एक्सपेंड किया होगा आपने? एक्सपेंशन ए नंबर ऑफ टर्म्स, मिडिल टर्म एक्सपेंड कर दिए थे क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 6x + 9 किसका एक्सपेंशन होगा? एक्स प्लस 3 द होल स्क्वायर 30, एक्स प्लस 3 द होल टू द पावर 60। क्या इनमें से कुछ सही लग रहा है आपको ऑप्शन में? नहीं लग रहा है मुझे तो। यस मैम, मैम 60। बी। हाँ बताइए। बी 61 आएगा इसका। क्यों क्यों मैम? एक टर्म बढ़ जाती है जब एक्सपेंड होता तो। देखो ये तो मुझे पता नहीं था, ये तो आप लोगों से पता चला। तो मुझे तो लगा कि नन ऑफ दिस है, क्योंकि मुझे मिला ही नहीं ऐसा आंसर 60। चलिए नन ऑफ दिस नहीं है, 61 है इसका। वैसे क्यों बढ़ती है एक टर्म? मैम एन सी 0 वाली टर्म भी आ जाती है ना। ओके, एक टर्म आपकी इंक्रीज होती है, जैसे कि आपका अगर फाई सेट है, कुछ भी नहीं है वहां पे, फाई किसी का सबसेट जरूर है लेकिन कुछ भी नहीं है, मगर वो फाई है, यहाँ पे फाई है, तो वो हमेशा एक इंक्लूडेड रहता ही है। उसी तरीके से एन सी 0 यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो एक टर्म आपका बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 67, पता नहीं इसको कितने लोगों ने किया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब 12th क्लास का एक बोल सकते हो आप, 12th क्लास का छोटा सा बेसिक दिया हुआ है। द रिलेशन लेस देन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज ओनली सिमेट्रिक, ओनली ट्रांजिटिव, ओनली रिफ्लेक्सिव इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको ना है तो आप छोड़ भी सकते हो यहाँ पे तुक्का लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चंस पे ध्यान दे सकते हो आप, इसके बारे में डीपली पढ़ोगे आप क्लास 12th में बहुत अच्छे से, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में। सी, आपने अगर अपने पीडीएफ में देखा होगा तो आपको बताया होगा कि क्या ओनली ट्रांजिटिव, ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ओनली ट्रांजिटिव है। ये ट्रांजिटिव है बट ओनली ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये जानने के लिए अभी आपने उतनी नॉलेज गेन नहीं की है, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। आई डोंट नो, अगर स्कूल में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो होता क्या है, जब आपका एक्स वाई से छोटा है, वाई भी जेड से छोटा है, तो हमारा अल्टीमेटली क्या होता है, एक्स जेड से छोटा होता है, और एक्स वाई जेड तीनों जो है एन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। लेस देन वाला सेट है ये, नेचुरल नंबर्स में जब आप लेस देन वाले सेट को लेते हो तो इसको आप क्या कंसिडर करोगे? ट्रांजिटिव, क्योंकि x रिलेटेड टू y,
जेड ये आपका क्या बनेगा, रिलेशन ट्रांजिटिव बनेगा. एक्स इज लेस देन वाई, ठीक है, ये वाई लेस देन एक्स, ठीक, ये देता ही नहीं है एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो. एक्स लेस देन वाई, जस्ट अ सेकेंड, एंड वाई लेस देन एक्स, ये आपस को बिलोंग नहीं करते. इनको क्या कंप्लीट करता है, एक जेड आकर के. अगर ये कंडीशन है, ये कंडीशन होगा तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट सिमेट्रिक. ये सिमेट्रिक नहीं होगा. सिमेट्री कब कंप्लीट होती है, जब वो कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करे तभी तो सिमेट्री कंप्लीट होती है बोल सकते हैं, तो कंप्लीट नहीं हो रहा है. अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट दे सकते हो कि एक्स लेस देन एक्स, एक्स लेस देन वाई क्या है, इट इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सब आपस में रिलेटेड है. सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, इक्विवेलेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या है ये, ओनली ट्रांजिटिव है. तब बोलोगे कि ये ट्रांजिटिव है. एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन चाहो तो अवॉइड कर सकते हो मेरी मानो तो, बाकियों पे ध्यान दे दो. और नहीं अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है. चलिए टाइम पास नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं. फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 68 वाला. आप लोग क्या ये कर पाए थे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन? मैम मुझसे नहीं हो रहा. और किससे नहीं हुआ था? क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब एक मीडियम लेवल से ऊपर बोल सकते हो. नहीं होने का रीजन ये भी है, ग्रेटेस्ट टर्म पूछ रहा है. ग्रेटेस्ट टर्म इसका कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखो कि पावर क्या है. 20 है, रूट थ्री, और 1+1/√3 द होल की पावर 20 है ये, ठीक है. हम लोग कैसे करते थे अपने क्लास में टर्म एक्सपेंशन कॉम्बिनेशन में? ग्रेटेस्ट टर्म वाला क्वेश्चन तो बहुत सारा किया था. कुछ फॉर्मूला याद है आगे पीछे का? x प्लस वाई द होल टू दी पावर n का कोई एक्सपेंशन आपको याद है? NC0 x रेस टू पावर n, y रेस टू पावर 0 प्लस NC1 x raised to power n minus 1, y raised to power 1 and up to so on. मतलब x की पावर डिक्रीज हो रही है, y की पावर इंक्रीज हो रही है, यही बोल रहे हो ना? Yes ma'am. Very good, that is good. Yes. Okay. हमने वो पढ़ा था x plus y the whole की पावर एक्सपेंशन n में. तो आप इसको एक्सपैंड करोगे तो कैसे करोगे? x का टर्म अलग लोगे, y का टर्म अलग लोगे, और फिर मतलब करते जाओगे. जैसे x में n माइनस 1 हो जाएगा तो 20 माइनस 1 होगा, 20 होगा, फिर 18 होगा, और y की पावर क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. क्या ऐसा करना सही रहेगा इसमें? मैं बहुत लंबा हो जाएगा. बहुत, यस, बहुत लंबा हो जाएगा. होगा तो जरूर, मगर बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसीलिए कभी आपने कोई प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी होंगी तो वहां पे देखा होगा, ये लिख रहा है ना, कि आपको लिखाया गया था कि टी आर प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी आर. या तो ये लेस देन इक्वल टू होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा. ग्रेटर देन है, और इक्वल टू नहीं भी होता तो ग्रेटर देन होता. इसके अकॉर्डिंग अगर छोटा करके इसको चलते हो तो आपको बोला जाएगा कि n माइनस r प्लस 1 अपॉन में r ग्रेटर देन y अपॉन x. सो नाउ r इज क्या बोलोगे, लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू था, ये r लेस देन इक्वल टू अगर होगा तो ये n प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस y अपॉन x. ये नीचे आ गया और ये ऊपर ही रह गया. अगर r लेस देन इक्वल टू बनाओगे तो ये फॉर्मूला आपका बनता है. ये जब बनता है तो आपको n तो वैसे पता है, जो हमारा पावर है वही n है, n 20 है,
इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ पे पुट किया, मतलब आर लेस देन इक्वल टू 21 अपॉन में 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, तो वाई अपॉन एक्स कितना होगा आपका 1 अपॉन √3 हो जाएगा। फिर इसको कैसे सॉल्व किया होगा, एलसीएम लिया होगा यहाँ पे √3, तो 1 प्लस √3 अपॉन √3 ऐसा कुछ आया। अगर आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हो, सिंप्लीफिकेशन में पूछ रही हूँ, 21 अपॉन कैसे हम सॉल्व करेंगे, √3 प्लस 1 ऐसे ही करेंगे बच्चों। यस मैम, ऐसे ही करेंगे यस मैम, तो फिर ये हमारा कितना बनेगा, ये √3 21, यानी कि और 21 √3, हम जनरल अपना कैलकुलेशन देखते हैं, 21 √3 अपॉन √3 प्लस 1 ऐसा कुछ बनेगा। यस मैम, यस मैम, ठीक है, ऐसा मेरा भी बना। अब आगे क्या किया जाए, यहाँ पे कुछ रैशनलाइजेशन वगैरह करने की जरूरत है। क्योंकि √3 + 1 तो ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ये कब यस मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, जब आप इसको रैशनलाइज करोगे। कर अब ये थोड़ा सॉल्व होने के चांसेस बनते हैं, a+b a-b का। अब अगर सॉल्व करोगे तो आपको आर की कोई वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, 13 होनी चाहिए। जो वैल्यू मिलेगी रैशनलाइजेशन के बिना तो मुश्किल हो जाएगा, ये 13 मिलती है जब, तब आप क्या करते हो जा करके, जो आपने लिखा था टी आर प्लस 1, मतलब t 13 + 1 इक्वल्स टू कितना लिखोगे अब, टी आर वो कितना हो जाएगा, t 13 + 1 कितना हो जाएगा अगर हम लिखने जाएंगे तो। 20C13, 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 वेरी गुड। और x^2 n 20 20-13 और y^13। हाँ, x^20 - 13, y^13। 13 ठीक है, तो 20 - 13 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 7 हो जाएगा ये, यस और y^13 ही रहेगा। मैम, यस मैम, एक्स क्या है हमारे पास, 1 1, सिर्फ 1 है या 1 अपॉन √3 है। मैम वो वाई है, 1 है। ओके, 1 है, तो 1 to the power 7 तो मीनिंगलेस हो जाता है ना। और √3 to the power 13 ये कैसा है, 1 to the power 7 तो एनीवेज मीनिंगलेस हो गया, मतलब 7 की वैल्यू ही नेग्लिजिबल हो गई है। और हमने जब वाई अपॉन एक्स लिखा था तो 1 अपॉन √3 ऑनली लिखा था, कुछ तो गड़बड़ घोटाला है इधर, हम लोग गलती कर रहे हैं कुछ, क्या गलती कर रहे हैं भाई। y की वैल्यू 1/√3 है। ये y की वैल्यू, ओके, 1 अपॉन √3 है, ठीक है, वेरी गुड, 1 अपॉन √3 to the power 13, मतलब ओवरऑल एक्स की वैल्यू भी नेग्लिजिबल है यहाँ पे। वन टू दी पावर सेवन का तो कोई अब वैल्यू बचता नहीं है ना, मतलब खत्म हो गया वो, तो मतलब मेरा 20C13 1 अपॉन √3 to the power 13, इसको भी तो मैं और सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं 20C13 को, यस मैम, तो यस उसको मैम, सॉल्व करके थोड़ा हेल्प कर दीजिए मेरी, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोगों को तो सब कुछ आता है लगता है, आप लोग मेरा ही टेस्ट ले रहे 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 - 13 फैक्टोरियल इनटू 13 फैक्टोरियल। हैं। 20 मुझे सच में नहीं आता बच्चों, इसलिए पूछ रहे हो, 20
20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 13 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल। ओके ठीक है, ये है हमारा T13+1 का आंसर। इसको फर्दर अभी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या आंसर लाने के लिए? शायद अरे मैं तो आपके भरोसे हूँ कि आप बता रहे हो तो मैं लिख रही हूँ, अब आप ही बोल दोगे शायद तो मैं कहाँ जाऊं फिर। 20 माइनस 13 तो वैसे भी 7 फैक्टोरियल आ ही जाएगा आपका, ठीक है तो 20C7 बन जाएगा, और 13 का क्या करेंगे? 13 अपॉन में है। अच्छा 13 अपॉन में, आपने बोला into 13 फैक्टोरियल तो मैंने लिख दिया, ये तो अपॉन में 1/√3 का ना, तो इसको मैं अपॉन में लिखूं फिर वो फैक्टोरियल कैसे आएगा? मैम 20 20 इंटू √3, 20 माइनस 13 फैक्टोरियल के साथ आएगा मल्टीप्लाई में। क्या आएगा 20C7 और क्या आएगा? मैम वो गलती से निकल गया था मुंह से। कोई बात नहीं, तो अभी सही कर लेते हैं ना, मैथ्स में तो यही काम ही है, गलत करो सही करो, गलत बोलो सही लिखो। 20C7 के संग क्या आएगा? मैम ये नहीं आएगा। तो क्या आएगा आप पूरा बता दीजिए, सही कर दीजिए अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे। मैम ये 1/√3 के साथ पावर में भी। जो 20 माइनस 13 फैक्टोरियल है इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा 13। into 13 बोल रहे हो, यस मैम। उसमें फैक्टोरियल नहीं आएगा, लेकिन मैम फैक्टोरियल भी आएगा। उसमें भी फैक्टोरियल आएगा, तो मतलब अभी ये आपका 20C7 नहीं लिख सकती हूं मैं, मैम लिख सकते हो इसको, लिख यस सकती मैम हूँ फिर into 13 लिख वाला, सकते। into 13 वाला। मैम 20C7 × 1/√3 e^13। बट आपको पता है 20C7 इज वेरी गुड, बट 1/√3 to the power 13 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाएगा? यस मैम। तो कैसे करेंगे? तो T14 चाहिए हमें, सोचो सोचो कैसे किया जाएगा। अगर हम लोग 1/√3 to the power 13 लेकर के चलते हैं एंड तक, तो 13 √3 को 13 टाइम्स करना कैसे पॉसिबल है बच्चों? अब एक चीज मैं सजेस्ट करूं क्या? मेरा सजेशन है, देखो अगर काम करता है तो बताना फिर। आप √3 को 7 टाइम्स करते हो तो कितना मिलता है आपको? कुछ नहीं मिलता क्या? अच्छा कह रहे हो कि एक, ट्वेंटी सेवन रूट थ्री। ओके 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 3 3 3 9 से 27, 27√3 मिलता है। ठीक है चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं ना, 27√3 को रखते हैं अभी। अब एक और चीज हम जरा देखें, आपको पता है एक बात, हम लोग यहां से थोड़ा गलत करते आए हैं।
ये नहीं होगा बच्चों, ये पॉसिबल नहीं हो। हम एंड तक गए ना, जो हमें आता था हमने सब लगाया। मैंने भी, मैंने तो आप ही के भरोसे पूरा क्वेश्चन शुरू ही किया था कि भाई बच्चे बताएंगे, मैं लिखूंगी, मैं तो सब भूल गई हूँ। चलो क्या करना है यहाँ पे, सी कॉम्प्लिकेशंस तभी से बढ़ गया था जब हमने एक्स को 1 ले लिया था। आपका एक्स रूट थ्री, यहाँ पे देखोगे वाई अपॉन एक्स हमने क्या लिखा है, 1/√3, √3 to the power 7। वाई की जहां तक बात है तो y13 मतलब 1 to the power 13 अगर आप लेते हो, और 20 कितना बचता है आपके पास, 20c13 ना, तो चलो 20 और c13 को भी मैं लिख देती हूँ पहले, जो भी होगा आपका 20c7 तक आएगा लास्ट में, उतना भी चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरे पास, √3 को मैंने 7 लिखा और 1 को 13 लिख दिया। अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा, मेरे को लग रहा है कि ये तो पक्का गलत ही होने वाला है। तो उस केस में क्या करना है, 1/√3 को अगर हम 7 रखते हैं, ठीक है, 1/√3 को आपने अगर 7 रखा और फिर 1 की वैल्यू जो 13 रख दी उसको छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं √3 से ही क्या कर दूं, मल्टीप्लाई भी कर दूं, तो 1/√3 to the power 7 और मैंने √3 to the power 1 रखा है, तो मुझे क्या समझ में आता है इससे कि मैंने √3 से क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग क्या था, हमारे अकॉर्डिंग क्या था भाई, एक्स की पावर 1 थी, हम लोग बहुत खुश थे कि अरे उसकी पावर तो 1 है, तो और क्या आ गया। तो वहां पे आपका √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हो जाता है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन इजी हो जाएगा। तब आप 20c7 और उसके बाद क्या करोगे, वन बाय 27√3। तो क्या मैं √3 √3 कैंसिल कर पाऊंगी इसके बाद, यस मैम। तब जाके कहीं मुझे 20c7 1/27 मिल सकता है, इसलिए नहीं मिल सकता है कि मतलब यस मेरे को ये आंसर दिया है तो मुझे यही लाना है, इसलिए क्योंकि हमने जो पॉसिबिलिटीज थी उसको करके देखा, गलत भी करके देखा, नहीं काम किया। तो जब वो नहीं काम किया तब हमको ये दिमाग में आया कि अरे अरे, जैसे ही मेरा √3 पूरा √3 अगर आपका 13 के पावर में जाता है तो मतलब ये सॉल्व नहीं होने वाला केस है, ये नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो आपको ये दिमाग लगाना है कि कैसे वो 2 the power 13 हटे वहां से। तो इसलिए हमने √3 को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तब जाके ये थोड़ा सा सॉल्व होने के लायक हुआ है। यस मैम। चलो ऐसे ही पढ़ाते रहना टीचर को आप लोग, मतलब मुझे टीचर को क्या, मुझे तो लगेगा कि कामयाबी है। जब बच्चे टीचर से ज्यादा स्मार्ट हो जाएं और तब मतलब तरक्की शुरू हो जाती है आपकी। इफ कोएफिशिएंट ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ऑल डिस्टिंक्ट एंड बिलोंग टू द सेट दिस, देन इक्वेशन हैज। आपने क्या बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा है बच्चों? मैम पढ़ा तो नहीं, लेकिन उसकी पावर 4 होगी। लो किसी ने तो जेन्युइनली आंसर किया कि मैम पढ़ा तो नहीं मगर 4 होती है, और एक कह रहे यस मैम हमें आता है, क्या पूछ रहे हो आप। ठीक है, अगर इसकी पावर 4 होती है, सी ax to the power 4 + bx to the power 3, क्योंकि जब एक्स की पावर 4 शुरू हुई उसके बाद क्या हुई, पावर घटना शुरू हो गई। एक बार बढ़ी तो घटी, प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 0। अब एक्स के बाद तो x to the power 1 के बाद x to the power 0 ही आता है जिसकी कांस्टेंट हो जाती है वैल्यू, तो ई इक्वल्स टू 0 ले लिया हमने। नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये सारे आपको किसको बिलोंग करते हैं, ये सारे सेट को बिलोंग करते हैं
-9 कॉमा -5, 3 कॉमा 4 कॉमा 7, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा x कितना निकल करके आता है? इनके बीच का डिफरेंस नहीं गिनना है हमको, इनके बीच का डिफरेंस गिनने गए तो फिर हमारी हो जाएगी कहानी खत्म। x कितना हमारे पास बचता है बच्चों? 1। कैसे 1 बचेगा? 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 1 1, 1 1 का ही तो यहाँ पे छलांग लगा रहा है ये। और yes, ma'am. जितने हो गए हैं आपके कांस्टेंट सारे एक लाइन में आके इक्वल्स टू मिलके जीरो बना रहे हैं। तो एनीवेज आपका अगर ये 1 बनता है तो कम से कम इसके पास दो रियल रूट्स तो होते ही हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स हो नहीं हो लेकिन इसके पास दो रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। ओके सर्ट्स एंड ऑल आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, मैंने भी तो आपको पढ़ाया है कि नहीं? सर्ट्स पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बच्चों? भूल गया, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लगता है मैंने सिलेबस में होगा तो पढ़ाया ही था आपको सर्ट्स। बेसिकली क्या होता है सर्ट्स? आपका इरेशनल नंबर होता है ना, उसी से कनेक्टेड होता है। सर्ट्स क्या होता है आपका? सपोज मैंने रूट ओवर 7 प्लस 1 लिखा, तो क्या आप इसको सर्ट बोलोगे या नहीं बोलोगे? नंबर सिस्टम में आपने पढ़ा है, बोलोगे सर्ट? रूट ओवर 7 क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? रैशनल 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 इरेशनल इरेशनल ओके ठीक है, वेरी गुड। तो रूट ओवर 7 प्लस 1 सर्ट नहीं हो सकता हमारा? सर्ट तो कोई ऐसी वैल्यू होती है ना जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो इरेशनल हो। एक किसके बारे में कहा जाता है कि ऑल सर्ट्स आर इरेशनल बट ऑल इरेशनल आर नॉट सर्ट्स। थोड़ा सा फाइंड आउट करना, ये आपके नाइन्थ क्लास का है। मैं नाइन्थ क्लास के बच्चों को नंबर सिस्टम पढ़ा रही थी तो उनको सर्ट्स पढ़ाया था मैंने, बट आपके स्टैंडर्ड में तो ये थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखना कि सर्ट्स क्या है तो समझ में आएगा हमें। एनीवेज इसके टू रियल रूट्स होते हैं। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे डिफर बाय एटमोस्ट 2m, देन b लाइंस इन द इंटरवल। इंटरवल का क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इंटरवल ही ले लोगे आप लोग। पता है आपको थोड़ा सा टेस्ट में लेवल हाई सेट किया जाता है ताकि आप जो है परफॉर्मेंस जो भी हो आपकी, आपको एक आइडिया मिले जेई का। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी, इसके अगर दो रूट्स हैं आपके पास, एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, तो हम बोलेंगे जीरो मेरा लेस देन है मॉड ऑफ अल्फा माइनस बीटा से, और वो भी लेस देन इक्वल्स टू कितने हैं 2m, क्योंकि इसने एट मोस्ट 2m दे दिया, तो 2m तो मोस्ट में चला गया और बाकी मेरा उससे लेस में आ गया। सो नाउ जीरो इज लेस देन रूट ओवर आपका अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 अल्फा बीटा लेस देन इक्वल टू 2m, ठीक है। तो जीरो इज लेस देन नाउ कितना हो गया आपका 4 अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पूरा फॉर्मूला लगा दोगे आप तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलेगा और क्या मिलेगा, प्लस 2 अल्फा बीटा आपको मिलेगा और माइनस 4 अल्फा बीटा है आपके पास, तो 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 4 पूरा लिखते हैं। चलिए इसका स्क्वायर कितना मिलेगा मुझे, अल्फा स्क्वायर
प्लस प्लस बीटा बीटा स्क्वायर फिर प्लस टू प्लस अल्फा टू बीटा अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू मेरा 2m। ठीक, ये मुझसे ये कह रहा है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसको लिखते हैं जीरो इज लेस देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं माइनस टू अल्फा बीटा, ठीक है, लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 2m, 2m हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ए और बी से मैं रिप्लेस अगर करूं और माइनस टू अल्फा बीटा भी है मेरे पास, तो कहीं ना कहीं ये मेरा अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना। यस मैम, ये मेरा ठीक है। तो मतलब जीरो इज लेस देन अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला बना रहा है, विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2m हो जाएगा मेरा। अगर मैं इसको ए बी से रिप्लेस करूं तो जीरो लेस देन मेरा ये होगा ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला इज लेस देन इक्वल्स टू 2m। मगर मुझे क्या करना है, मुझे एट मोस्ट 2m, तो एट लीस्ट मैं m में जाऊंगी। अगर मोस्ट 2m है तो लीस्ट m होगा, और b लाइंस इन द इंटरवल पूछा है, तो मैं क्या करूंगी, b पे अगर m को रखूं तो a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू मेरा कितना होगा b लेस देन, ये सारे लेस देन कितने के हो जाएंगे, a स्क्वायर के हो जाएंगे। इसीलिए स्टेटमेंट आपको दिया गया था 2m भी आपका रिप्लेस होगा। मोस्टली a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू b, ठीक है, इज लेस देन a स्क्वायर। इसीलिए आपको इंटरवल के लिए ये क्लोज्ड इंटरवल और ये ओपन दिया गया था, जैसे हम वेवी कर्व में बनाते थे। यहाँ पे तो आपका क्लोज्ड है, a स्क्वायर माइनस m स्क्वायर से स्टार्ट होके ये a स्क्वायर तक जाएगा, उसके बाद उसकी मर्जी है, वो चाहे तो a स्क्वायर से आगे भी बढ़ जाए, उसके लिए ओपन है वो, इससे आगे भी ये बढ़ सकता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इन्होंने करेक्ट करवाया था। तो क्वेश्चन अगर आप समझे होंगे तो बहुत आसानी है, बस इसको एक्सपेंड कर दो, अल्फा बीटा को ए बी से रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, बहुत धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, टाइम है हमारे पास? नो मैम, दूसरा क्लास भी आपका है और मेरा भी है, लॉगिन भी करना है, एक मिनट बाकी, एक मिनट देख लेते हैं इसको। द एक्सप्रेशन साइन एक्स माइनस साइन जेड अपॉन कॉस जेड माइनस कॉस एक्स इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी इक्वल्स टू, इस तरह का क्वेश्चन पता नहीं क्लास में किया है कि नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा, आपका तो और ही याद नहीं होगा आपको। बट हाँ, साइन ए माइनस साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। यस मैम, कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला लगाओगे तो कुछ आपको मिलेगा, समथिंग समथिंग मिलेगा, और वो जो भी मिलेगा आपको वो किसके फॉर्म में आएगा बच्चों, कॉट के फॉर्म में आएगा, कुछ आपको मिलेगा। तो आप एक्स वाई जेड आर इन एपी है कि नहीं आपको बताना पड़ेगा। तो जो भी आपको मिल रहा है ना, उसी पे डिपेंड होगा कि वो एपी में है या नहीं है, वो आप बताओगे। एपी का हमने कुछ फॉर्म पढ़ा था ना, समथिंग प्लस समथिंग इक्वल्स टू समथिंग, ये हमारा हाँ a प्लस सी इज इक्वल टू टू बी, ओके, ये हमारा एपी के फॉर्म में होना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो फॉर्मूला लगेगा इसमें। चलिए बाकी क्वेश्चंस देखते हैं, 71 तक सॉल्व हुआ है ना, तो ये पीडीएफ ऐसे ही रहेगा, 71 तक मैं आपको भेजूंगी। ठीक है बच्चों, आप लोग क्लास चाहो तो एग्जिट कर लो, यहीं तक रखते हैं, और उसके बाद का कल है आपका क्लास, तो कल ही सॉल्व हो जाएगा। अब तो यही करना है, देखो टेस्ट डिस्कशन करना है, जैसे ये खत्म होगा तब दूसरा टेस्ट लेंगे, वो खत्म होगा तो फिर तीसरा, लेकिन पीवाई क्यूज भी डिस्कस करेंगे, नहीं तो आप लोग भाग जाओगे सर। इसको मैं एक्सपोर्ट कर दूं। बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, ऐसे ही पढ़ के आइए, मैं भी पढ़ के आऊंगी, डोंट वरी, आप लोग से खाली नहीं पूछूंगी। गुड इवनिंग मैम। यस सर। ओके, गुड इवनिंग, बाय बाय।